400 मीटर सीसी रोड बनी है। सीसी रोड बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए और उसके ऊपर डामर की परत चढ़ाई है। हम तथ्य के साथ में, प्रूफ के साथ में सरकार के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये बताना चाहते हैं कि वो सीसी रोड बनी है तो उसके ऊपर डामर क्यों किया। हमारी मांग है कि उस डामर की जांच की जाए। रोड टूट गई थी, उस टूटी हुई रोड को छुपाने के लिए उन्होंने डामर की परत चढ़ाई है। तो ऐसे अभी हमने वीडियो के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत भी आग्रह किया और बताया। तो आम जन की ये मांग है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित करें, उनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाए, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोग उनको इनकॉल किया जाए, और जिन्होंने बजट जो स्वीकृत था और उसको लिपापोती करके उठा लिया है तो उसकी भौतिक सत्यापन करवा के कमेटी बना करके रिकवरी की जाए, तब जनता के साथ न्याय होगा। और जनता के पैसों का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। वही वर्तमान विधायक नहीं बोलने वाला है, विपक्ष नहीं बोलने वाला है, पक्ष नहीं बोलने वाला, कोई नहीं है। हम आम जन है, आम जन ये मांग उठाते हैं कि ऐसी जनता को अपनी दिशा के तहत जनता को फायदा दिलाए और जनता का पैसा का दुरुपयोग नहीं हो। और कलेक्टर साहब से विशेष आग्रह करते हैं कि आप इसमें इंटरफेयर करें और जिले की जांच कमेटी बिठाए और जांच कमेटी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के इसकी जाँच को परिपूर्ण कराए। और आमजन से, प्रवासियों से, जिले से लोगों को हम कहते हैं कि सोशल मीडिया के मार्फत इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए और वायरल करें, ताकि आम जन में, लोगों में संदेश जाए कि जनता जागरूक है। और ऐसी हर सड़क का स्थिति है, ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भाई साहब ने, रामलाल जी ने बताया कि ये टोल रोड है, टोल रोड के साइड से रोड से बड़ी बड़ी ट्रकें टोल बचाने के चक्कर में घुस जाती है और वहाँ आम जन के लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो उन एक्सीडेंटों को बचाने के लिए जनता क्या करेगी? पुलिस प्रशासन व्यवस्था कराए, उन ट्रैफिक को डाइवर्ट हो रही है, उन ट्रैफिक को मेन रोड पे ले आए। हमारी ऐसी मांगे हैं, तो इस मांग में आप सब लोग, आम जनता है, आप भी मीडिया बंधु इसका सपोर्ट करें और इन जनता को सही न्याय दिलाए। जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हमारा हर गाँव में धरना रहेगा। हम प्री प्लान से यहाँ से भादेड़ा होगा, निम्बावास होगा, उसके बाद में पूनासा, सारियाणा, फागोत्रा, जोगाऊ, थोबाऊ, जहाँ तक हमारी सीमा आती है, जैसे भीनमाल विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ की जनता को हम जागृत कराएंगे ढोल नगाड़े बजा करके, गांव में रणभेरी बजा करके। इस रोड के लिए, ठीक करने के लिए हम आंदोलन को सतत प्रयास करके जारी रखेंगे। आप सबका, हम जनता का सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।